ओके, लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? देयर विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड। यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। जो हमारा चाइल्ड होता है, चाइल्ड हैविंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टी होता है ना, वो चाइल्ड के अंदर होता है। हेलो। हाँ जी सर, स्क्रीन नहीं विजिबल है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, रुको एक मिनट सर। हो गई, अब दिख रही है? अब दिख रही है? हाँ जी सर, विजिबल। चलो, आप लोग अपने अपने माइक चलो अपने अपने माइक को म्यूट कर दो। नरेंद्र आप भी, आवाज आ रही है पीछे से। चलो ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस इन सी शार्प। तो आज हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस हम कैसे अप्लाई करते हैं सी शार्प के अंदर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, देखो, देयर विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, चाइल्ड हैविंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। मोर लेस पेरेंट्स के पास जो कुछ भी प्रॉपर्टीज होता है वो चाइल्ड का होता है। एंड हाउ वी कैन क्रिएट द क्लास, आप इस तरीके से बना सकते हो। मान लो मैं बोलता हूँ क्लास ए, और ये जो हमारा ए क्लास है, ए क्लास के अंदर मान लो मैं यहाँ पर मैथड बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये हमारा मैथड है। और इस मैथड के अंदर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ जी बेस क्लास सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ बेस क्लास, ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे दूसरा क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ क्लास बी, और ये बी जो है हमारा इनहेरिट करेगा। किसको इनहेरिट करेगा? ए को इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पर हम इनहेरिट कैसे करवाते हैं? हम बोलते हैं कॉलन ए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बी इज चाइल्ड ऑफ ए। ये जो हमारा बी है, बी इज चाइल्ड ऑफ ए, ये ए का चाइल्ड है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ डिस्प्ले वन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास। अब मैं यहाँ पे अपना मेन वाला क्लास बना लेता हूँ, वो तो अलग ही दुनिया है। मेन की क्लास अलग है, हमने डाल दिया। हम यहाँ बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन है। और मेन के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो मेरे पास दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास है ए और एक चाइल्ड क्लास है बी। तो हमेशा बेहतर ये होता है कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो चाइल्ड के अंदर जो मेथड है वो भी कॉल हो जाएंगे, और एज वेल एज जो पेरेंट के मेथड है वो भी कॉल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ बी जेड इज इक्वल टू न्यू बी, डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले और डिस्प्ले वन दोनों को कॉल करना है। मुझे डिस्प्ले वन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, जेड डॉट डिस्प्ले। अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, जेड डॉट डिस्प्ले। आप ज़रा गौर से देखो, मैंने दोनों क्लास के लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाई, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और एक ही ऑब्जेक्ट से हमारा काम हो रहा है। अब यदि मैं इसे सेव कर लूँ यहाँ पर, सेव एज। इनहेरिटेंस का फ़ायदा यही होता है, रियूजेबिलिटी। आपने एक बार क्लास बना दिया, अब वो अपना काम करेगा। मान लो मैं इसको सेव करता हूँ cl11.cs के नाम से, ठीक। अब यदि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आप बोलता हूँ cl11.cs, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ cl11, दोनों का रिजल्ट आपके सामने होगा। कॉन्सोल डज नॉट कंटेन द डेफिनेशन फॉर राइट लाइन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, राइटर लाइन हो गया, इसको चेक करो। यहाँ पे भी राइटर लाइन हो गया, इसको चेक करो, फिर से रन करो। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ और दोनों रिजल्ट हमारे सामने, हमें दोनों मिल गया, चाइल्ड क्लास भी मिल गया और बेस क्लास मिल गया। अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, हमने केवल यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों मेथड को मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर कॉल कर लिया। तो पहली चीज़ हमारे यहाँ पर, ये जो आप इनहेरिटेंस लगाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब हैविंग सिंगल बेस क्लास। जहाँ पे एक ही बेस क्लास है, यहाँ पे हमारा एक ही बेस क्लास है। नाउ फाइव सेव एज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं cl12.cs।
अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं यहाँ बोलता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है हैविंग सीरीज ऑफ क्लासेस लाइक पैरेंट एंड चाइल्ड। यहाँ पे आप सीरीज बनाते चले जाते हो, जैसे यहाँ पे पैरेंट आया, जैसे ई आया, ए का ऑब्जेक्ट कौन, ए का चाइल्ड कौन है, बी। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक और है, मान लो मैंने यहाँ पे सी बनाया और ये जो सी का चाइल्ड है कौन है, वो है बी। तो सी हमारा क्या है, सी चाइल्ड ऑफ बी। तो आपने एक हायरार्की बना दी ना। अब मैं आप बोलता हूँ डिस्प्ले टू, ये देखो ये आपने क्या बना दिया यहाँ पे, चाइल्ड का चाइल्ड बना दिया है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास डी लेता हूँ। अब सबसे लास्ट चाइल्ड मेरा कौन सा है, सी है, तो मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और जो दोनों मेथड हैं इनको मैं कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट डिस्प्ले टू, और ये दोनों मेथड हमारे यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। यदि मैं इसको रन करूँ, यदि मैं इसको रन करूँ तो ये दोनों मेथड हमारे यहाँ पे कॉल हो जाएंगे, ये दोनों तीनों मेथड कॉल हो जाएंगे। देखो चाइल्ड क्लास, बेस क्लास, चाइल्ड का चाइल्ड क्लास, यानी कि जितने भी हमारे मेथड। तो आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, लास्ट वाले सी का बनाया। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे सीरीज बनती चली गई ना, दादाजी, पापा जी, बेटा जी। तो एक आपने सीरीज बना दिया ना यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का। तो ये जो हम सीरीज बनाते हैं इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। याद रखना हमारे .NET या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, नो मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है मोर देन वन बेस क्लास, मोर देन वन बेस क्लास, जहाँ पे एक से अधिक बेस क्लास हो। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टेड फीचर है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता। अब यहीं पे एक बात और समझ लो, सपोज़ करो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ पब्लिक ए, और ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया है ना। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ बोलता हूँ पब्लिक बी, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे किसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ क्लास सी, अब मैं यहाँ पे किसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे चाइल्ड के चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, चाइल्ड का चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है ना। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे सी का, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। आपने ए में भी कंस्ट्रक्टर है, बी में भी कंस्ट्रक्टर है, सी में भी कंस्ट्रक्टर है। याद रखना जब हम इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं तो कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलता है। मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड का, लेकिन सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। तो कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है टॉप टू बॉटम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जब तुम सी में देखेगा, वो देखेगा सी का बेस क्लास कौन है, वो देखेगा सी का बेस क्लास कौन सा है, बी है, वो देखेगा बी का बेस क्लास कौन सा है, वो देखेगा ए है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना काम करेगा। तो कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है, याद रखना कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। अब यदि मैं इसको रन कर दूँ यहाँ पे, रन कर दूँ यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे काम करेगा। ये देखो सबसे पहले ए क्लास कंस्ट्रक्टर आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ये देखो ए क्लास कंस्ट्रक्टर आ रहा है, फिर बेस क्लास आ रहा है, फिर चाइल्ड का आ रहा है, फिर चाइल्ड के चाइल्ड का आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर। हम सबसे पहले हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल, तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। अच्छा यहीं पर एक बात और समझ लो, जो मैथड की कॉलिंग होती है, जो मैथड की कॉलिंग होती है वो बॉटम टू टॉप होती है। मैथड की कॉलिंग क्या होती है, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज cl13.cs के नाम से। मेथड की जो कॉलिंग होती है वो बॉटम टू टॉप होती है। और एक बात यहीं पे याद रखना, जब तुम मेथड, मान लो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को रहने देते हैं, अभी ये हमारा डिस्प्ले मेथड है, मैं काम करता हूँ डिस्प्ले मेथड में, फिर से बना देता हूँ, और डिस्प्ले मेथड में फिर से बना देता हूँ। जरा गौर से देखो, तीनों क्लास के अंदर में हमारे पास डिस्प्ले मेथड है ना। तो ये जो सिनेरियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है सेम नेम, सेम पैरामीटर, सब कुछ सेम होगा, सेम पैरामीटर, डिफरेंट क्लास, लेकिन जो क्लास होगा वो डिफरेंट होगा।
ये देखो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, अगेन हमारे पास है यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, अगेन हमारे पास है यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, है ना। तो नाम सेम है, इनके पैरामीटर्स भी सेम है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, एंड डिफरेंट क्लास, लेकिन इसके क्लास डिफरेंट है, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, तो यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथड ओवर राइडिंग। तो मैथड ओवर राइडिंग में क्या होता है, जो हमारा बेस क्लास होता है, बेस क्लास के अंदर यहाँ पर हम लोग कीवर्ड लगाते हैं वर्चुअल, यहाँ पर कौन सा कीवर्ड लगाते हैं वर्चुअल, और जहाँ पर हम ओवरराइड कर रहे होते हैं वहाँ पर कौन सा कीवर्ड लगाते हैं ओवरराइड, जहाँ पर हम ओवरराइड कर रहे होते हैं वहाँ पर कौन सा कीवर्ड लगाते हैं ओवरराइड। अब मैं यदि आपसे ये बोलूँ कि मैं डिस्प्ले को कॉल करने जा रहा हूँ तो कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा, याद रखना। तो मैंने आपसे बता रखा है कि मेथड की कॉलिंग क्या होती है, बॉटम टू टॉप होता है, तो जहाँ पहले मिल जाएगा वो डिस्प्ले कर देगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, फाइल सेव, अब यदि मैं इसको रन करता हूँ cl13.cs, और मैं यहाँ बोलता हूँ cl13, ये देखो कौन सा कॉल हो रहा है, चाइल्ड का चाइल्ड क्लास, ये वाला मेथड कॉल हो रहा है ना, ये कॉल हो रहा है ना, ऊपर वाला कॉल नहीं हो रहा है। तो मेथड की जो कॉलिंग होती है वो क्या होती है, बॉटम टू टॉप होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का मतलब है मेथड का नाम सेम होगा, सेम पैरामीटर्स होंगे, क्लास डिफरेंट होंगे। ये देखो ये ए क्लास का डिस्प्ले है, ये बी क्लास का डिस्प्ले है, और ये सी क्लास का डिस्प्ले है, लेकिन आपस में ये क्लास इनहेरिट कर रही, तो ओवरराइडिंग के लिए ये जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर वाला जो डिस्प्ले है ये भी कॉल हो जाए, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बेस कीवर्ड यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेस डॉट डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला डिस्प्ले है वो भी कॉल हो जाए, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ बेस डॉट डिस्प्ले। तो बेस कीवर्ड का यूज़ करके आप बेस क्लास के मेथड या कंस्ट्रक्टर वगैरह को कॉल कर सकते हो। तो ये जो हमारा बेस है, ये बेस कीवर्ड का यूज़ करके कैन कॉल द मेथड ऑफ बेस क्लास, जो बेस क्लास के मेथड हैं, जो कंस्ट्रक्टर हैं, इन सबको आप कॉल कर सकते हो। अब यदि मैं इसको रन करूं, सेव करूं, अब आप जरा गौर से देखो, मैं एक ही डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूं, वो डिस्प्ले वो सारे डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ये देखो मैं एक ही को कॉल कर रहा था, ये ऊपर वाले को भी कॉल करा, उसके बाद वाले को भी कॉल करा, और खुद को भी कॉल करा। तो यहाँ पे क्यों बेस वाले को क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपने यहाँ पे लगा दिया बेस डॉट डिस्प्ले। तो ये जो हमारा डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले मेथड का यूज हम यही, मतलब बेस कीवर्ड का यूज यही कर रहे हैं। बेस कीवर्ड का एक यहाँ पे और यूज है, सपोज करो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अब मेरे पास इवन दो कंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन जब हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, आप जरा गौर से देखो, इवन हमारे पास वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन मैं रन कर रहा हूँ तो बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है। ये देखो ये बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये वाला इसको कॉल कर रहा है। इसको क्यों नहीं कॉल कर रहा भाई, ये भी तो कंस्ट्रक्टर ही है, इसे भी तो कॉल कर सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है मुझे उससे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दूँ, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे लगा दोगे कॉलन बेस, और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दोगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे लगा दिया चाइल्ड के अंदर कॉलन बेस 888, तो ये क्या करेगा, बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को उठाएगा, ना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ cl13, ये रहा हमारा cl13। अब मैं इसे रन करूँ और ये अपना काम करेगा। ये देखो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कौन से कंस्ट्रक्टर को उठा रहा है, पैरामीटराइज वाले को उठा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे बेस कीवर्ड का यूज है, ये हमारा यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो तो जो फर्स्ट मेथड होता है, जो बेस क्लास का मेथड होता है, वहाँ पे कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, वर्चुअल। और बाकी जितने भी मेथड्स होते हैं उन मेथड्स के अंदर हम लोग क्या कीवर्ड यूज करते हैं, ओवरराइड, मतलब आप उस पर चेंजेस करने के लिए जा रहे हो। तो याद रखना मेथड की जो कॉलिंग होती है वो बॉटम टू टॉप होती है, बेस कीवर्ड का यूज़ करके हम बेस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। याद रखना मेथड ओवरराइडिंग का यही कॉन्सेप्ट है। पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, नाम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, क्लास सेम होता है, एक ही क्लास के अंदर ओवरलोडिंग होती है,
ओवरराइडिंग में क्या होता है, नाम सेम, पैरामीटर सेम, क्लास डिफरेंट। तो ये है हमारा इनहेरिटेंस का एग्जांपल। यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब हमने बात कर ली कि मेथड किस तरह से बिहेव करता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो इन बातों को हमें समझना होगा। अब आइए फाइल सेव, फाइल सेव एज, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ cl14.cs। अब जब मैं इतनी बातें आपको समझा ही रहा हूँ इनहेरिटेंस की, तो कुछ बातें मैं आपको और समझा दूँ। सपोज करो मेरे पास ये क्लास है और ये क्लास के अंदर ये हमारा डिस्प्ले मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लो हमारा बी क्लास है, बी इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड ए को, और यहाँ पे भी हमारा ये मेथड है। और मैं यहाँ से ये ओवरराइड ओवरराइड हटा देता हूँ, और मैंने ओवरराइड हटा दिया, इसको भी मैं हटा देता हूँ, तो मैं सिंपल रख लेता हूँ इसको, ये सी वगैरह को भी मैं हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी जेड इज इक्वल टू न्यू बी, और बी को आप यहाँ पर जो भी मेथड है कॉल करो। अब जरा एक चीज़ देखो, देखो पब्लिक का मतलब होता है, ये जो हमारे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं ना, ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स में कौन कौन से आते हैं, एक होता है हमारा पब्लिक, एक होता है हमारा प्राइवेट, एक होता है हमारा प्रोटेक्टेड, और एक होता है हमारा इंटरनल, और एक होता हमारा इंटरनल प्रोटेक्टेड, इंटरनल प्रोटेक्टेड। याद रखना, देखो एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। देखो सीधी सी बात, मैं आपको देसी भाषा में अभी समझा दूं, मैं बाद में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा। देखो पब्लिक का मतलब होता है कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पोजिशन, आप कहीं से भी कॉल कर लो। प्राइवेट का मतलब होता है वो क्लास के बाहर नहीं जाएगा। अभी मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, INT X। अब इसे x को यदि मैं यहाँ पर वैल्यू डालना चाहूँ, तो नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकते वैल्यू, इस x को यहाँ पर वैल्यू आप क्यों नहीं दे सकते? भाई इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि वो जो हमारा x है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्राइवेट है। अब यदि x को तुम यहाँ पर वैल्यू देने की कोशिश करोगे तो ये एरर रहेगा। यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो, अभी मैं बोलता हूँ cl14.cs, अब मैं बोलता हूँ cl14, ये देखो एरर आ जाएगी, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, क्योंकि आप प्राइवेट को एक्सेस कर रहे हो। देखो आप प्राइवेट को एक्सेस कर रहे हो, कंपाइलेशन एरर आ गई। अब मुझे क्या करना है, देखो यदि वो पब्लिक होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, लेकिन यदि वो प्राइवेट है तो क्लास के बाहर नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास के बाहर भी जाए, तो आप प्राइवेट के जगह यहाँ पर क्या लगा दोगे, यहाँ पर लगा दोगे प्रोटेक्टेड। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्रोटेक्टेड INT X। अभी हमारा यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि जो चाइल्ड क्लास है वो इसको कॉल कर सकता है। यदि मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो कोई गुनाह नहीं है, मतलब ये चलेगा। यदि मैं इसको यहाँ पर प्लस एक्स कर दूँ तो ये अपना काम करेगा, रन करो, ये देखो। चल रहा है ना, तो प्रोटेक्टेड का मतलब बॉस ये है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि खुद के अंदर तो कॉल हो ही सकता है, जो चाइल्ड क्लास है वो भी कॉल कर सकता है। तो एक होता हमारा पब्लिक, पब्लिक मतलब वो कहीं से भी कॉल हो जाएगा, एक होता है प्राइवेट मतलब क्लास के बाहर नहीं जाएगा। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है खुद के क्लास में, और जो इनहेरिटेड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, वहाँ पे भी आप इसे कॉल कर सकते हो। ये जो हमारा इंटरनल होता है ना, ये पब्लिक के तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यदि मैं यहाँ पर पब्लिक की जगह इंटरनल लिख दूँ तब भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात करूँगा इन सब के बारे में, अभी मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा था ये प्रोटेक्टेड क्या करता है। प्रोटेक्टेड का मतलब यह है कि यदि तुमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दिया है तो उसको मैं चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर। अब आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मैं बोलता हूँ cl15.cs। अब देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई आप, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। याद रखना, देर इज टू टाइप्स ऑफ क्लास। दो तरह के क्लास होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंक्रीट क्लास, और दूसरे को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये जो कंक्रीट क्लास होता है, एक वैसा क्लास होता है जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, पहली बात।
इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो कंक्रीट मेथड होते हैं। कंक्रीट मेथड का मतलब, कंक्रीट मेथड का मतलब उसकी अपनी बॉडी होगी, उसकी क्या होगी, बॉडी। बाय डिफॉल्ट हम लोग जितने भी क्लास बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट आप जो भी क्लास बनाते हो सारे कंक्रीट क्लास होते हैं। जब कभी भी आप क्लास बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे क्लास होते हैं वो कंक्रीट क्लास होते हैं। तो कंक्रीट क्लास मतलब जो बाय डिफॉल्ट हम बनाते हैं वो कंक्रीट क्लास होती हैं। कंक्रीट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कंक्रीट क्लास के अंदर जो मेथड होता है कंक्रीट मेथड होता है। कोई भी मेथड बनाओगे तो उसमें बॉडी देनी होगी। और ये जो हमारा एफटेक क्लास होता है, एफटेक क्लास क्या होता है, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कंक्रीट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। याद रखना सी शार्प के अंदर में कंक्रीट एफटेक क्लास के अंदर में कैन कंटेन, इसके अंदर हम एफटेक्ट मेथड भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम एफटेक्ट मेथड भी डाल सकते हैं, प्लस इसके अंदर हम कंक्रीट मेथड भी डाल सकते हैं। हम इसके अंदर कंक्रीट मेथड भी डाल सकते हैं। एफटेक्ट मेथड मतलब जहाँ पे बॉडी नहीं होगी, केवल डिक्लेरेशन होगा, ओनली डिक्लेरेशन, बॉडी नहीं होगी। और साथ के साथ यहाँ पे आप कंक्रीट मेथड भी डाल सकते हो। और ये जो हमारा एफटेक्ट क्लास होता है भाई, आप इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, करेंगे क्या, इसका एक ही काम होता है समाज सेवा, यूज टू इनहेरिट करने के लिए होता है। ये दूसरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं करता बेचारा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर एफटेक्ट क्लास बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ पर बोलता हूँ एफटेक्ट क्लास ए। अब इस एफटेक्ट क्लास के अंदर में मैं यहाँ पर एफटेक्ट मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ पब्लिक एफटेक्ट वॉइड डिस्प्ले, ये हमारा एफटेक्ट क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, क्लास बी, बी किसको इनिट करेगा, ए को। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सीधी सी बात है, ये बेचारा भूखा प्यासा आदमी है, तुमने यहाँ पे बस डिक्लेरेशन दिया, इसको बॉडी तो है नहीं, तो आपकी जवाबदेही बनती है बॉस, दोस्त है, गरीब है, भूखा प्यासा है तो खाना तो खिलाओगे, ये क्लास बी है, कम से कम उसको बॉडी तो प्रोवाइड कर दो। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे ओवरराइड वॉइड डिस्प्ले, पहले बॉडी प्रोवाइड कर दो, फिर जो डिस्प्ले उस्प्ले करना है अपना करवाते रहो। तो ये हमारा एफटेक क्लास का जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपने यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड कर दिया। ये कंपलसरी होता है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड होंगे उनको आप बॉडी प्रोवाइड करोगे, नहीं करोगे तो एरर देगा। अब मैं बोलता हूँ क्लास डी, मैं यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम करेगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, मैं बोलता हूँ CL15, ये देखो परफेक्टली ये रन करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इस बेचारे का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं समाज सेवा, तो आप क्या करोगे, इनहेरिट करवा लोगे। अच्छा एक चीज़ और है, कोई जरूरी नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप यहाँ पर कंक्रीट मेथड भी डाल सकते हो। कंक्रीट मेथड होते क्या, जिस मेथड की बॉडी होती है, यस यहाँ पर इसकी बॉडी है, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, कंक्रीट मेथड है। अब ये जो हमारा कंक्रीट मेथड है, कंक्रीट मेथड को आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, खाना वाना खा के आया है, इसको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बॉडी इसके पास है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले वन को कॉल करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे z.display1। अब यदि मैं इसको रन करूँ तब भी ये यहाँ पे काम करेगा। अब यदि मैं बोलता हूँ CL15.cs, ये तब भी यहाँ पे काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब जो हमारा एफटेक क्लास होता है, एफटेक क्लास इनहेरिट करने के लिए होता है, एफटेक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। एफटेक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कंक्रीट मेथड दोनों हो सकती हैं। अच्छा कई लोग बोलते हैं कि एफटेक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है। देखो कायदे से होना चाहिए, लेकिन यदि सी शार्प में मैं ना दूँ तो, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं दिया। अब यदि मान लो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं दिया तो इसको मैं ओवरराइड भी नहीं करूँगा, है ना। अब मैंने यहाँ पर जरा गौर से देखो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, और यदि मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बी डज नॉट, हमने यहाँ पे डिस्प्ले गलत लिख दिया ना, यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले को भी कमेंट करो क्योंकि आपने उसको भी कमेंट कर दिया है। फाइल सेव रन करो। अब मैं बोलता हूँ CL15, ये देखो आ रहा है। जावा में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, लेकिन .NET में ऐसा नहीं है। सी शार्प में क्या है कि यदि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं दोगे तो वो एरर नहीं है। देखो कायदे से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस है, मैं बता रहा हूँ आपको पर्पस क्या है, उस पर्पस के हिसाब से ये जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर
उस पर्पज से ये जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, लेकिन यदि हम ना दें तो सी शार्प के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सी शार्प में वो काम करता है। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों बनाते हैं? भाई ठीक है, क्लास है, जब हम इनहेरिट कर ही रहे हैं, जब हम उसे बॉडी दे ही रहे हैं, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, वो तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में कोई जरूरी नहीं होता कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, यदि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी होगा तो सारे मेथड यदि कंक्रीट हैं वो तब भी काम करें। अब तुम बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या है? देखो इसका फ़ायदा क्या है, होता क्या है ना कि बेसिकली सपोज़ मैं बड़ा प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज़ करो आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो और आप लोग वहाँ पर प्रोग्रामर हो और एक प्रोजेक्ट है जो चाइना का प्रोजेक्ट है, मान लो कोरोना। अब ये कोरोना का जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है ना, और इसके ऊपर आप लोग काफ़ी लंबा चौड़ा काम कर रहे हो, साल दो साल से आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन होता क्या है कि जब तुमने मेथड बनाया तो मेथड का नाम तुम अपने हिसाब से दे दिए, तुम लोगों ने मान लो मेथड का नाम दे दिया पब्लिक वॉइड ए, अब तुम लोगों ने मेथड का नाम दे दिया पब्लिक वॉइड बी, तुम लोगों ने मेथड का नाम दे दिया पब्लिक वॉइड सी। सालों साल से तुम काम कर रहे हो, इतने लंबे चौड़े कोड तुमने लिख डाले, अभी तुम्हें तो पता है कि ए के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हें तो पता है बी के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हें पता है सी के अंदर क्या हो रहा है, सारे मेथड वगैरह बना दिए, अब तुम जॉब छोड़ के मेरे कंपनी से जा रहे हो। अब क्या होगा, तुम्हारा जो कोड है वो मैं किसी और प्रोग्रामर को लेके दे दूंगा। सर जी उस प्रोग्रामर को ना उसकी हालत ख़राब हो जाएगी कोड को समझने में, क्यों? आपने मेथड का नाम वगैरह इतना गंदा रखा है ना, आपने लिखा पब्लिक वर्ड ए बी सी, अब बेटा समझता रहा कि ए के अंदर क्या है और बी के अंदर क्या है। अब ये समझने के लिए उसको 1000 लाइन के जो कोड हैं ए के अंदर वो पढ़ने पड़ेंगे। अब 1000 लाइन का कोड पढ़ने का मतलब है एक दिन का उसका गया जॉब, लेकिन दूसरे दिन आकर 2 मेथड गलती से पढ़ भी लिया। ऐसे तो हजारों मेथड हैं, हजारों मेथड के अंदर में 1000 लाइन के कोड लिखे हुए हैं, तो जो पुराना आदमी था उसने गलती क्या करी थी कि उसने अपने मन से मेथड का नाम डाल दिया, पब्लिक वॉइड ए बी सी जो मन करा उसने डाल दिया जी। उसने ये नहीं सोचा कि भाई आने वाले टाइम, वो तो यही सोचा कि मेरी जॉब चल रही है भैया अपना मेथड उथड डाल दो, जो भी लिखने का मन करे, कौन मेहनत करेगा अपना, उसने खुद ब खुद डाल दिया। कल की डेट में वो छोड़ के चला गया। अब दिक्कत मेरे सामने ये आ गई कि इस प्रोजेक्ट को मैं जिसे भी दे रहा हूँ समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। बेचारा 2-4-5 दिन पे लोग 10 मेथड पढ़ पाते हैं, इसमें तो 1000 मेथड लिखे हुए हैं, 1000 मेथड के अंदर 1000 लाइन का कोड है। तो एज ए प्रोग्रामर आज मैंने डिसाइड करा कि इस तरीके से तुम लोग अब कोड नहीं करोगे। एज ए मैनेजर मैंने डिसाइड करा कि ये जो आप लोग का देसी स्टाइल है लिखने का, मैं इसको बंद करवा दूँ। तो मैं इसको बंद कैसे करवाऊँगा? तो मैं इसको बंद इस तरीके से करवाऊँगा। देखो मैं मैनेजर हूँ तो कुछ जानकारी होगी तभी मैनेजर हूँ, मुझे पता है कहानी क्या है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेम्पलेट। अब मुझे पता है चाहे प्रोजेक्ट कोई भी हो उसके अंदर जो मेथड होते हैं वो ये सारे तो होते ही हैं, जैसे इंपोर्ट मेथड होता है, जैसे हमारा इंपोर्ट मेथड होता है, जैसे हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट मेथड होता है, जैसे हमारा इंपोर्ट मेथड होता है, जैसे हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट मेथड होता है, अब जैसे हमारा यहाँ पे प्रिंट मेथड होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें तुम प्रिंट तो करवाओगे ना, तो यहाँ पर प्रिंट मेथड होता है। तो इस तरह के जितने भी कॉमन मेथड हैं उन सारे मेथड को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। मतलब मैंने आपके हाथ पैर बांध दिए, अब मैंने आपसे ये बोला कि बेटा जब भी तुम्हें प्रिंट करवाना होगा तो तुम्हें प्रिंट वाला मेथड के अंदर कोड लिखना है, चाहे प्रोजेक्ट कोई भी हो, प्रोजेक्ट कोई भी हो, प्रिंट वाले के अंदर ही प्रिंट का कोड लिखोगे, एक्सपोर्ट वाले के अंदर ही एक्सपोर्ट का कोड लिखोगे, इंपोर्ट वाले के अंदर ही इंपोर्ट का कोड लिखोगे। अब तुम ए और बी सी अपने हिसाब से नहीं लिख पाओगे गुरु, क्यों? चूंकि मैंने नियम बना दिए। अब मुझे डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने बोल दिया कि भाई ए बी सी डी नहीं चलेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले करके डाल दिया। अब तुम क्या करोगे, लिखो मान लो क्लास कोरोना, और ये कोरोना किसको इनहेरिट करेगा, टेम्पलेट को। ये किसको इनहेरिट करेगा, यहाँ पे टेम्पलेट को इनहेरिट करेगा। और इस टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे देना है तो मैं इंपोर्ट के अंदर मैं इंपोर्ट का कोड लिखूंगा, एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट का कोड लिखूंगा, प्रिंट के अंदर प्रिंट का कोड लिखूंगा, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले का कोड लिखूंगा, और मान लो जिसका कोड नहीं लिखना उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। मान लो ये वाला कोड मुझे नहीं लिखना तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के जगह मैं यहाँ पे क्या, मेरी मजबूरी हो गई बॉस, अब आपने मुझे लिमिट कर दिया, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, मैं यहाँ पे ब्लैंक करके छोड़ देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिखता, बॉडी डाल के छोड़ दिया, और जिसमें बॉडी डालनी है उसमें बॉडी डालो। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, मान लो मुझे प्रिंट के अंदर कोड लिखना है तो ये रहा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपना आप डिस्प्ले उस्प्ले करवा दो, जो भी आपको करवाना है करवा दो।
तो मेरे कहने का मतलब बाय द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हाट वी कैन मेंटेन द कोडिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द टीम। हमारी टीम में सभी लोग एक ही तरह के कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें, उस चीज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यही प्रैक्टिकल यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अक्सर कंपनियां आपसे सवाल करती है आपके इंटरव्यूज में कि व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो यही यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो मेरे कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूज टू प्रोवाइड यूज टू मेंटेन कोडिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द टीम और विद इन कंपनी। एक तरह से कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इट प्रोवाइड अस मेथड टेम्पलेट, इट प्रोवाइड अस मेथड टेम्पलेट। ये मेथड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर देता है कि आपको जो भी कोड लिखना है उसी मेथड्स के अंदर आप लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गॉट इट, समझ में आ गई बात? चलो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, कल मैं बात करूँगा इंटरफेस और कई सारी चीज़ों की, आज मैं फिलहाल यहीं तक रहने देता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक था, जो हमने डिस्कस करा था, इनहेरिटेंस, बेस कीवर्ड, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, हाउ द कंस्ट्रक्टर बिहेव, हाउ द मेथड्स बिहेव, सो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है।